नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सरकारी तेल कंपनियों ने आज डीजल की कीमत में 13 पैसे की कटौती की है। इस कटौती के साथ दिल्ली में प्रति लीटर डीजल की कीमत 73.27 रुपए पर पहुंच गई है। हालांकि पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले भी गुरुवार को दिल्ली में डीजल के दाम में 16 पैसे की कटौती की गई थी। शुक्रवार को पेट्रोल डीजल दोनों के दाम स्थिर थे। जुलाई में देखा जाए तो सरकारी तेल कंपनियों ने सिर्फ डीजल का दाम ही बढ़ाया था। उस दौरान 10 किश्तों में डीजल के दाम बढ़ाए गए थे। अगर आप कार, मोटरसाइकिल और स्कूटी समेत टू व्हीलर और फोर व्हीलर गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है। कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन से भारी दबाव और सुस्ती झेल रही भारतीय ऑटो इंडस्ट्री को केंद्र सरकार बड़ी राहत दे सकती है। दरअसल सरकार सभी तरह के व्हीकल पर जीएसटी रेट में 10% कटौती करने पर विचार कर रही है। वाहन उद्योग के संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के ने शुक्रवार को कहा है कि उसके सदस्यों ने मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ केनिची आयुकावा को अपना नया प्रेसिडेंट चुना है। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। उद्योग संगठन ने अपने बयान में कहा है कि सियाम की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आयुकावा को अपना नया प्रेसिडेंट चुना है। यह कमेटी देश के ऑटोमोबाइल उद्योग की शीर्ष नियामक है। टेलीकॉम सेवा देने वाली कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 25,000 करोड़ रुपए तक का फंड जुटाने की योजना को मंजूरी दी है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि वह शेयर और डेट इंस्ट्रूमेंट के जरिए फंड जुटाएगी। कुल फंड रेजिंग 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं होगा। वाहन उद्योग संगठन सियाम ने कहा है कि वाहन निर्माता कंपनियां बेहद कठिन दौर से गुजर रही हैं और वे आगामी नियमों को लागू करने के लिए और अधिक निवेश करने की हालत में नहीं हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने यह भी कहा है कि ऑटोमोबाइल मिशन प्लान 2026 के टारगेट्स को हासिल करने के लिए सरकार के सहयोग की जरूरत है। सियाम के प्रेसिडेंट राजन वधेरा ने संगठन के एक सालाना सम्मेलन में कहा कि आगामी नियमों को लागू करने के लिए भारी भरकम निवेश करना होगा और मांग कम रहने के कारण कंपनियों को उसके अनुरूप रेवेन्यू हासिल नहीं हो पाया है। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी हॉल नंबर 8 चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स एमपी नगर जोन 1 भोपाल। फोन नंबर 7898128620। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए नियमों में विस्तार किया है। इससे स्टार्टअप्स और अक्षय ऊर्जा सेक्टर को मदद मिलेगी। नए नियमों के तहत अब स्टार्टअप्स को 50 करोड़ तक का लोन मिलेगा। वहीं किसानों के लिए सोलर प्लांट और बायोगैस के लिए भी मिलने वाले कर्ज की सीमा दुगनी कर दी गई है। लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए आरबीआई ग्रामीण क्षेत्र और स्टार्टअप्स सहित अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कर्ज की सीमा में बढ़ोतरी की है। डिजिटल तरीके से वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनी पेटीएम को वित्त वर्ष 2020 में रेवेन्यू बढ़कर 3,629 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सभी सेगमेंट में डिजिटल और पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस से ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी से राजस्व बढ़ा है। कंपनी ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है। कंपनी के बयान के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 में उसके घाटे में वार्षिक आधार पर 30% की कमी आई है। वित्त वर्ष 2019 में पेटीएम को 4,217 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जो वित्त वर्ष 2020 में घटकर 2,942 करोड़ रुपए पर आ गया है। 2019 की तुलना में पेटीएम का रेवेन्यू में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। सरकार ने फास्टैग के नियमों में बदलाव किया है। अब जिनके पास 3 साल या उससे ज्यादा पुराने वाहन हैं, उनके लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। यानी जिन्होंने दिसंबर 2017 से पहले वाहन खरीदा है, उन सभी के लिए वाहन में फास्टैग लगवाना अनिवार्य होगा। नए नियम 1 जनवरी 2021 से लागू किए जाएंगे। इसके अलावा थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस को खरीदने के लिए फास्टैग भी अनिवार्य होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जाएगा। जापान का सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉप टिकटॉक के भारतीय कारोबार के लिए बोली लगाने की संभावना तलाश रहा है। इसके लिए सॉफ्टबैंक ग्रुप स्थानीय साझेदार तलाश रहा है। इस मामले से वाकिफ सूत्रों के हवाले से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। सॉफ्टबैंक ग्रुप की टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइडांस में भी हिस्सेदारी है। सूत्रों के मुताबिक टिकटॉक का भारतीय कारोबार खरीदने के लिए सॉफ्टबैंक ग्रुप स्थानीय साझेदारों के साथ एक ग्रुप बनाकर बोली लगा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।